आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में दुबड़ी आठे व्रत की कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, संतान की आयु बढ़ती है, वंश में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वा अष्टमी, जिसे दुबड़ी आठे भी कहा जाता है, का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की खुशहाली व वंश की बढ़ोतरी करने वाला है। इस दिन दुबड़ी की पूजा की जाती है। एक पाटे अथवा चौकी पर दुबड़ी अर्थात कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र बनाया जाता है। जल, रोली, मूली, चावल से उनकी पूजा की जाती है। आटे में घी, चीनी मिलाकर मोई बनाकर चढ़ाई जाती है। दक्षिणा चढ़ाकर बाजरे से धोक लगाई जाती है। पहले दिन के भिगोए हुए मोट चने का बायना निकालकर सासू माँ को रुपए रखकर दिए जाते हैं। फिर दुबड़ी की कहानी सुनी जाती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है और यदि इसी वर्ष लड़की का विवाह हुआ हो तो वह इसका उजमन करती है। आइए अब सुनते हैं दुबड़ी की कहानी। एक साहूकार था, उसके सात बेटे थे। साहूकार अपने जिस भी पुत्र का विवाह करता, विवाह के समय उसकी मृत्यु हो जाती। साहूकार के छह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उसने अपने सातवें बेटे का विवाह तय किया। सबका मन दुखी था, पर विवाह तो करना ही था। यह सोचकर उसने सबसे छोटे पुत्र का विवाह तय कर दिया। सब सगे संबंधियों को विवाह का निमंत्रण दिया गया। बहन बेटियों को बुलाया गया। जब उस लड़के की बुआ विवाह में शामिल होने आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली जो चक्की से आटा पीस रही थी। उसे प्यास लगी और वह बुढ़िया माई के पास पानी पीने रुक गई। पहले उसने बुढ़िया माई के पैर छुए। बुढ़िया माई ने उसे आशीष देते हुए पूछा, बेटी तू कौन है और कहाँ जा रही है? तब उसने सारी बात बुढ़िया माई को कह सुनाई। कुछ देर सोचकर बुढ़िया माई ने कहा, वह तो जैसे ही बींद बनकर दरवाजे से निकलेगा, दरवाजा गिरेगा और वह मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो रास्ते में जिस बरगद के पेड़ के नीचे बारात रुकेगी, उस पेड़ के गिरने से दबकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में तोरण की रस्म के समय दरवाजा गिरने से मर जाएगा, और वहां भी बच गया तो सातवें फेरे पर सर्प उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब सुनकर लड़के की बुआ बहुत दुखी हुई और कहने लगी, माँ क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? मेरे भाई के तो पहले ही छह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यदि यह भी चला गया तो उसका तो वंश ही खत्म हो जाएगा। माँ कोई तो उपाय होगा। तब बुढ़िया माई बोली, उपाय है लेकिन कठिन है। उसने कहा, आप बताओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, विवाह के समय सारे कार्य उल्टे करने होंगे। जब बारात चलने लगे तो उसे अगले दरवाजे से ना ले जाकर पिछली दीवार में द्वार बनाकर निकालना।
रास्ते में बारात पेड़ की छांव में ना रुकवा कर धूप में रुकवाना। ससुराल में भी बारात पिछली दीवार तोड़कर अंदर लेकर जाना और फेरों के समय एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना, एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना और जब सांप फेरों में आए तो उसे दूध पिलाकर फांसे में फंसाकर फांस लेना और जब सांपिन अपने सांप को लेने आए तो उस समय तुम उससे अपने सारे भतीजे मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। और साथ ही एक बात याद रखना, मेरे तुम्हारे बीच जो बात हुई है विवाह वाले घर में किसी को मत बताना, नहीं तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी और फिर लड़का भी नहीं बच पाएगा। यह कहकर बुढ़िया माई जाने लगी तो उसने पूछा, माँ आप कौन हो ये तो बता दो। वह बोली, मेरा नाम दूबड़ी है और कहकर चली गई। यह सुनकर बुआ घर आ गई। विवाह की तैयारियां हो रही थी, जब बारात चलने लगी तो वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, बारात इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगी, पीछे की दीवार तोड़ो, द्वार बनाओ और वहां से बारात को निकालो। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि लड़के की बुआ ये क्या कह रही है। जब वह जोर जोर से रोकर शोर मचाने लगी तो सब ने उसकी बात मान ली। घर की पिछली दीवार तोड़कर दूल्हे को वहां से निकाला गया। जैसे ही दूल्हा पिछले द्वार से निकला, घर का अगला दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, ये तो बुआ ने बहुत ही अच्छा किया, होनी टल गई। जब बारात चलने लगी तो बुआ ने कहा कि मैं भी बारात में चलूंगी। सब ने कहा, महिलाएं बारात में नहीं जाती, पर वह ना मानी, बारात के साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने कहा, नहीं दूल्हा पेड़ की छांव में नहीं धूप में खड़ा होगा, और दूल्हे को धूप में लाकर खड़ा कर दिया। दूल्हे की धूप में आते ही पेड़ गिर गया। तब सब लोग हैरान रह गए पर खुश भी हुए कि दूसरी बार होने टल गई। जब बारात ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां भी उसने यही कहा कि दूल्हा अगले दरवाजे से अंदर नहीं जाएगा, पिछली दीवार तोड़कर द्वार बनाया जाए। सब ने सोचा, पहले भी दो बार होने टल चुकी है, इसलिए इसकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे ही किया गया। जैसे ही दूल्हे ने पिछली दीवार से घर में प्रवेश किया, अगला दरवाजा गिर गया। सब देखकर हैरान थे, ये क्या हो रहा है। और जब दूल्हा फेरों पर बैठने लगा तो उसकी बुआ भी उसके साथ बैठ गई। उसने दूध का कटोरा और तांत का फांसा बनाकर अपने पास रख लिया। फेरे होने लगे। सातवां फेरा होने पर सर्प आ गया और दूल्हे को डसने लगा तो उसने दूध का कटोरा आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो तांत के फांसे में सर्प को फंसाकर सूत के डोरे से उसे बांध लिया और मिट्टी के करवे में डालकर ऊपर से करवे का मुंह बंद कर दिया। कुछ ही देर में सांपिन वहां आ पहुंची और उससे अपने सर्प को मांगने लगी तो उसने बदले में अपने 6 भतीजों की मांग की। नागिन ने उसके 6 भतीजों को जीवन दान दिया और उसने उसके सर्प को छोड़ दिया। इस प्रकार उसे अपने 7 भतीजे मिल गए। खुशी खुशी बारात दुल्हन को लेकर घर वापिस आई। साहूकार अपने सभी पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब बुआ ने सबको साथ लेकर दूबड़ी साते का पूजन करवाया, कथा कहानी सुनाई और धूमधाम से उजमन करवाया। हे दूबड़ी माता, जैसे पहले साहूकार के आई वैसी किसी के ना आना, जैसी बाद में आई वैसी सब के आना।
इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबके वंश में वृद्धि करना, संतान सुख देना, संतान पर आए संकट को काटना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।